भाई साहब ये क्या है, ये क्या है अंकल जी, जो कील टाइप सी है? मेले में घूमते घूमते हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आगे मेले में, ये देखिए दोस्तों जो ऊँटों के बांधते हैं घंटी वगैरह घुंघरू वगैरह और जैसे रंग बिरंगे चीज़ें बांधते हैं वो चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखें ये सभी ऊँटों और बैलों जैसे जो पशुपालन होते हैं उनके यूज़ में जो काम होता है, ये पूरा गलियारा इनका है। यहाँ पर इनकी बहुत सारी शॉप बनी हुई है, ये देखिए भाई यहाँ पर रस्सियाँ हैं ये सभी पशुपालन के लिए। ये देखिए यहाँ पर घंटियाँ वगैरह भी रखी हुई है। भाई साहब ये सब ऊँटों के लिए है, बांधने के लिए, और यहाँ पर ये भाई साहब बना भी रहे। क्या बोलते हो भाई साहब इनको? गजरा बोलते हैं। गजरा? और जो ऊँटों के ये बांधते हैं रंग बिरंगे इनको क्या बोलते हो? ताली बोलते हैं, घंटी भी बोलते हैं। जैसे ऊँटों के वो बांधते हैं गोरबंद, वो कौन सा होता है? गोरबंद होता है, वो टंगाए होता है। कौन सा दिखाओगे हमको? ऊँटों के दोस्तों गोरबंद बांधते हैं, ये पूरा गोरबंद है। क्या है ऊँट की? अच्छा ये ठीक है, ये आप बनाते हो यहीं पर? नहीं ये बना बनाया। अच्छा तो वो भाई साहब बना रहे थे ना? अच्छा कुछ बनाते हो कुछ लेके भी आते हो? यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जैसे ये घुंघरू बना रखे हैं, ये घंटियाँ हैं और ये रंग बिरंगे ऐसे बना रखे हैं जो ऊँटों के बांधते हैं। जो आपने सजे हुए ऊँट बहुत देखे होंगे उनके शायद आपने ऐसे ही आइटम देखे होंगे। भाई साहब ये क्या है? ये ऊंट के पांव में डाल दे। क्या बोलते हो इसको? नेवरी। अच्छा जैसे वो चलता है तब ऐसे घुंघरू बजते हैं। तो ये आप बनाते हो या फिर लेके आते हो? मॉल लेके आते हैं, बनाते कहाँ, सब आइटम मॉल आ रहा है, मॉल भी आ रहे हैं। जैसे आपने ये घंटियाँ वगैरह बना रखी है, ये अलग अलग प्रकार की घंटियाँ, ये सभी ऊँटों का है या फिर और भी पशु जैसे गाय के लिए भी है? गायों का पशु श्रृंगार है, ये पशु श्रृंगार है, पशु सबका ज्यादा, बकरी के भेड़ के सब आ जाता है। ठीक है भाई साहब थैंक यू। ये क्या है अंकल जी, जो कील टाइप सी है? ये ऊँट की नखेल। नखेल? हाँ, ऊँट के नाक में डालते हैं। अच्छा नाक में डालते हैं फिर इसके जो तागा बनता है। ठीक है तो ये अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग डिजाइन की है। अच्छा ये आप खुद बनाते हो? नहीं लेके आते हो? आती। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये, हाँ ये ऊँटों की जो नकेल नाक में डालते हैं, नकेल इसी से कंट्रोल होता है ऊँट, फिर इसके रस्सी बांधते जब खींचते हैं तब वो कंट्रोल होता है। वाह भाई साहब ये पूरी लाइन है ऊँटों के सिंगार जैसे पशु सिंगार के लिए। हाँ ऊँट का सिंगार है। ठीक है थैंक यू। मेले में घूमते घूमते हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये है भाई साहब, ये आप लकड़ी से बना हुआ डंडा देख सकते हो, कितना खूबसूरत बना रखा है। वाह यार क्या बात है, ये इनकी शॉप आ चुकी है। यहाँ पर ऐसी 5-7 शॉप है जिन पर ऐसे लकड़ी के डंडे मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत बना रखा है, एक बार पकड़ना। ये देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इसमें कील वगैरह लगा के पत्ती वगैरह लगा के बहुत खूबसूरत बना रखा है। एक ले ले, बहुत ज़बरदस्त। ये बांस से बना हुआ है, बांस से बना हुआ है ना भाई साहब? बांस का बना हुआ है ये, आप बनाते हो खुद ही? अच्छा कहाँ से आए हो? उज्जैन नगरी से। तो यहाँ पर कितने दिन रुकोगे? 15 दिन। और ये खुद आप बनाते हो? बहुत खूबसूरत बना रखा है आपने, ये अलग अलग साइज के बना रखे हैं, जैसे इसका डिज़ाइन अलग है और इसका डिज़ाइन अलग है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को मेले में, और इसके पकड़ने के लिए ऐसे हैंडल भी बना रखा है। चलो अब चलते हैं आगे। वैसे ये इतना अच्छा लगा मेरे को छोटा साइज। ये पूरी शॉप इनकी है लकड़ी की, 5-7 शॉप है यहाँ पर, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए। भाई साहब इसका प्राइस कितना है? 150। 150।
सबका अलग अलग है, जैसे छोटे साइज का वन ये तार वाले का सेम रेट है। कौन से का ये तार वाले इतने पड़े ना, ये सब का रेट ये साइज के हिसाब से या फिर हिसाब से नहीं, एक ही बड़ा लो या छोटा लो एक ही रेट है। अच्छा चलो थैंक यू। चलो भाई साहब चलते हैं अब आगे और देखते हैं क्या है मेले में। तो दोस्तों ये था कुछ मेला। वैसे दोस्तों मेला मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो डेजर्ट में सामान यूज़ होता है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।